दोस्तों, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे केवल आवागमन का माध्यम ही नहीं बल्कि बुंदेलखंड के पिछड़े इलाकों की जीवन रेखा भी है। योगी सरकार ने 100 दिनों के भीतर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने का ऐलान भी कर दिया है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीटा की 73वीं बोर्ड बैठक में CEO अवनीश कुमार अवस्थी ने परियोजना की प्रगति रिपोर्ट साझा करते हुए बताया कि एक्सप्रेसवे का कार्य 91% तक पूरा हो गया है और जल्द ही यूपी सरकार की सहमति से इसका लोकार्पण भी कर दिया जाएगा। स्वागत है आप सभी का इंफ्राटेक की एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, गोमती नगर स्थित यूपीडा मुख्यालय में आयोजित बोर्ड बैठक में CEO अवस्थी जी ने बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कार्य तेज गति से चल रहा है। उन्होंने बताया कि एक्सप्रेसवे पर अब तक कुल 264 किलोमीटर में BDM का कार्य पूरा किया जा चुका है, यानी कि इतनी सड़क पूरी तरह बनकर तैयार हो चुकी है और 91% से भी अधिक भौतिक निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 100 दिनों के भीतर दिल्ली को चित्रकूट से जोड़ने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बात की जानकारी औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने दी है। नंदी ने बताया कि 100 दिनों के भीतर ही बलिया लिंक एक्सप्रेसवे का कार्य भी शुरू किया जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पर भी डिटेल वीडियो बनाएं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 7 जिलों से होकर गुजरेगा, जिसमें चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया से होते हुए इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में मिल जाएगा। यह एक्सप्रेसवे 8 नदियों के ऊपर से भी गुजरेगा, जिनमें बागेन, केन, श्यामा, चंदावल, बिरमा, यमुना, बेतवा तथा सेंगर नदियां शामिल हैं। वर्तमान में यह एक्सप्रेसवे 4 लेन का बनाया जा रहा है, परंतु भविष्य में वाहनों की संख्या बढ़ने पर इस एक्सप्रेसवे को 6 लेन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा गांवों के पास सर्विस रोड का भी निर्माण कार्य किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ तार फेंसिंग व रेलिंग बनाई गई है, जिससे कोई भी आवारा जानवर एक्सप्रेसवे के अंदर न आ सके। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा और सिक्योरिटी के लिए जगह जगह पर इमरजेंसी की सुविधा के साथ साथ मॉनिटरिंग कैमरे भी लगाए गए हैं, ताकि अगर कोई वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी अधिक गति से चलता है तो उसका चालान काटा जा सके। इसके अलावा वाहनों में फ्यूल डलवाने के लिए एक्सप्रेसवे पर कुल 6 फ्यूल स्टेशन बनाए गए हैं। दोस्तों, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के शुरू होने से बुंदेलखंड के विकास में नई गति देखने को मिलेगी। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जिससे उद्योग की स्थापना के अवसर उपलब्ध होंगे और इसके आसपास क्षेत्रों के लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आप सभी को वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।